मुझे एक कथा याद आ रही है, काल्पनिक लेकिन मर्मज्ञ है। एक दिन भगवान सब लोगों को आयु बांट रहे थे। गधे को बुलाया और भगवान ने गधे को कहा, मैं तुझको चालीस साल की उम्र देता हूं। कितने साल की? गधे ने कहा, ऐसे कलियों को मैं 40 साल? ना प्रभु ना, लोग मार 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 के मुझे गधा बन जा देंगे, वो मैं पहले ही गधा हूं। आप सोचो गधे को मार के गधा बना दे तो वो कैसा गधा होगा। इसलिए मेरी तौबा, मुझे तो 20 साल ही दे दो, काफी है। भगवान ने कहा, ठीक है भाई, तो 20 साल ही ले उम्र। कुत्ते को बुलाया, बोला तुझको मैंने 35 साल की उम्र दी। कुत्ते ने कहा, प्रभु भौंक भौंक के थक जाऊंगा। प्रभु 15 साल ही काफी है, 35 साल नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, चल तू कितने ले ले है? 15 साल ले ले। अंत में बंदर को बुलाया, बंदर को कहा, मैंने तुझको 30 साल उम्र दी। बंदर ने कहा, ना बाबा, इस कलयुग में कोई मुझे चने भी नहीं खिलाएगा, लोगों के पर्स उठाने पड़ेंगे, चश्मे निकालने पड़ेंगे, तब जाके वो डबल रोटी, वो ब्रेड का कोई टुकड़ा देगा मुझे। इसलिए मुझे तो 10 साल ही काफी है। 30 साल में कितने लिए जी? 10। भगवान ने कहा, तथास्तु, अब आई इंसान की बारी। यस प्रभु, मुझे कितनी आयु दे रहे हैं आप, प्लीज टेल मी। भगवान ने कहा, तुझको मैं उम्र 25 साल देता हूं। कितनी? ओ नो गॉड, बहुत कम है। तो 25 साल में तो मैं देखूंगा ही क्या? तो कहा, फिर एक काम करो, जो गधे की उम्र है वो भी मुझे दे दो, क्योंकि उसने लेने से मना कर दिया। देखो इंसान की लालच, 20 साल दे दो। भगवान ने कहा, ठीक है ले ले, तो मेरी सर्वश्रेष्ठ रचना है और मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। तो कितनी हो गई है? बोला, ये भी थोड़ी कम नहीं लगती? तो बोला, जो कुत्ते ने छोड़ी है वो भी मुझे ही देता हूं। भगवान ने कहा, चल कुत्ते की जो बची उम्र है वो भी तू ले ले। फिर बोला, फिर बंदर की भी क्यों रखी, वो भी दे ही दो। अब इंसान की यह हालत है कि जिस जिस की उम्र ली, जारी बात है गुण भी उसके ही और जिंदगी भी उसी के लिए, तो गुजारेगी अभी है उसी की। इसलिए 25 साल तो इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है। आप सब जो कंवारे हैं वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, आनंद से इंजॉय कर रहे हैं। 25 साल के बाद वो गधे की उम्र ली है, इसलिए वो गधे की जिंदगी बिताता है, खूब मेहनत करता है। और मेहनत करते करते जब 40-50 बरस का हो जाता है, तब जो कुछ कमाया होता है वो कुत्ते की तरह उसकी रखवाली करता है। बहुओं पे नजर रखेगा, जमाइयों पे नजर रखेगा, सब चौकीदारी करेगा पूरे घर की, जस्ट लाइक ए डॉग। वो रखवाली करते 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 जब शादियां हो जाती है बच्चों की, तब उसका जीवन बंदर का चालू हो जाता है। उसे सब नचाने लगते हैं और फिर नाचते नाचते अपने पोते पोतियों का दिल बहलाता है। क्यों? पहले तो उसने गधे की उम्र मार ली,
इसलिए गधे की लाइफ बिताई, फिर कुत्ते की उम्र मार ली इसलिए कुत्ते की लाइफ बिताई, फिर बंदर की उम्र मांग ली फिर बंदर की लाइफ बिताई। और हम में से ऐसे कई होंगे जो आज नाच रहे होंगे, और उस बंदर को तो नाचने के पैसे मिलते हैं, हमें तो नाचने के पैसे देने पड़ते हैं। इसीलिए कहता हूं अब इससे थक जाओ, बहुत हो गया, भजन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कीर्तन करो, हरे हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, उपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ।